सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमोल्फियर 100X का। तो गाइस, आर्क प्राइमोल्फियर 100X के पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा ही होगा कि हम लोग ने जो है ना गाइस यहाँ पे हमारे पहले पहले जो चोतू मोतू जो दो दो लोग जो है ना गाइस, इनका जो भाई ब्रीडिंग का काम जो ना गाइस वो चालू कर दिया था। और इन लोग ने जो ना गाइस यहां पे एकदम मस्त दबेगी करके गाचू करके बच्चा भी पैदा कर लिया। ए भाई कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो तुम लोग यार, मेरी नजर क्या थोड़ी सी हटी भाई। आप इन लोग ने बच्चा भाई हाइट भी कर लिया। ए भाई हेलो, ए भाई एक का डबल, कैसा ये क्या चल रहा है गाइस यहां पे भाई, इनके अंडे हाइट भी हो गए भाई यहां पे। वाह बेटा वाह, अब बेटा तुम तो बड़े बड़े तेज निकल गए भाई, बड़े तेज निकल गए। रुक जाओ एपीएम के वाला, वो पोजीशन बढ़ाने तो मेरे को गाइज इंट्रो भी नहीं मारने जाए। चलो भाई अपन इंट्रो मार लेते। तो गाइज कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइज आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइज लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है गाइज ऐसी खतरनाक एंड ओपीसी जो वीडियो है ना गाइज वो बनाने के लिए। तो जरूर से गाइज लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज हमारा जो गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट करने में फटाक से चढ़ाक से हेल्प कर देना गाइज। तो चले भाई लोग करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू एंड फुल टू दबाई मचा डाल दे। और यहाँ पे गाइज अपन को दो दो टॉक्सिक वाले जो है ना गाइज वो मिल चुके हैं भाई। रुक जाओ, दो दो टॉक्सिक वाले जो है ना गाइज दो मिल चुके हैं। तो इनको जो है ना गाइस अपन जेंडर चेंजिंग पोशन पहले खिला, अच्छा ग्रो अप पोशन खिला, मेल है ना दोनों के दोनों, तो इनको जेंडर चेंजिंग पोशन खिला के फीमेल बना डालेंगे भाई। तुम भी अंडे दे दो भाई, इसके बिहेवियर इनेबल मीटिंग, इनको भी अंडे दे दो भाई, ठीक है। एंड भाई इससे जो ना गाइस क्या होगा बताएगा गाइस, अपन को जो अंडे ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी मिलेंगे। फर्टिलाइज वाले वैसे अंडे मेरे को चाहिए नहीं, हाँ फर्टिलाइज वाले अंडे से मैं टॉक्सिक वाले केबल बना सकता हूँ, मेरे को ये फर्टिलाइज वाले अंडे नहीं चाहिए। मेरे को कौन से वाले अंडे चाहिए गाइस? अच्छा टू हैवी भाई, बेटा हट जाना वहाँ से, जमीन के अंदर चला गया यार ये। रुक जाओ इसको यहाँ पे बाहर निकालता। तो गाइस मेरे को जो ना गाइस टॉक्सिक वाले अंडे चाहिए, और उसके लिए जो ना गाइस अभी फिलहाल के लिए अपन का ये चल रहा है गाइस, ठीक है स्ट्रगल चल रहा है एकदम फुल डू। अपन जो ना गाइस इन डोडो को बाहर निकाल के रख रहे, बड़े टॉक्सिक वाले अंडे दे ही ना जा रहे भाई, ये तो मेटिंग करे जा रहे भाई। क्या पता नहीं जन्मों जन्म से भाई ये हम भाई हवस के पुजारी लग रहे हैं मेरे को भेज क्या भाई, मीटिंग करे जा रहे क्या बताओ भाई अभी आपको। चलो तो गाइस आज के इस एपिसोड में भाई अपन के पास जो ना गाइस मेरे को नहीं लग रहा कि अल्फा वाले केबल जो ना गाइस वो आ पाएंगे, इसलिए जो ना गाइस हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री बेंच बना लूँ क्या? उससे पहले एक काम कर, ये टॉक्सिक वाला एक अंडा हो गया मेरे पास। उमा को दुर्लभ गाइस टॉक्सिक वाला मात्र एक अंडा अपन के पास आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है भाई। देन दो भाई इनको टॉक्सिक वाले अंडे देने दो, अपन अल्फा वाले जो भाई डायनो है ना मेरे को लग रहा है अगले एपिसोड तक जो ना गाइस यहाँ पे टेम कर लेंगे। अभी जो ना गाइस सारी की सारी पूप इकट्ठा करके मैं फर्टिलाइजर की तरह यहाँ पे यूज करने के लिए इन क्रॉप लॉट के अंदर डाल रहा हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर इनके अंदर फर्टिलाइजर नहीं होगा ना तो ये फूल पौधे जो अपने ना वेजिटेबल्स वो पूरे के पूरे सड़ जाएंगे भाई, ठीक है। इसलिए इनके अंदर जो ना नॉर्मल डायनोज की जो भाई टट्टी है ना गाइस वो डाल रहा हूँ, ताकि टट्टी से इनका फर्टिलाइजर का काम जो है ना गाइस वो कंप्लीट हो सके। एंड अभी अपन को यहाँ पे क्या करना था, मैं एक और चीज करना भूल गया यार, हाँ केमिस्ट्री बेंच भाई। रुक जाओ बेंच केमिस्ट्री वाली बेंच बना, केमिस्ट्री वाली बेंच अपन को बना डालनी है भाई, ठीक है। वेट अ मिनट, बेंच हियर वी गो। केमिस्ट्री बेंच के लिए क्या चाहिए बता? सीमेंटिंग पेस्ट है, स्पार्क पाउडर है, इलेक्ट्रॉनिक किट चाहिए भाई। अभी इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से लेके आ बताओ इसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक और किट चाहिए, जितने बन रहे थे भाई बना डाले। सिलिका पल कहाँ से लेके आओ? ओ है क्या वो 100 और बन सकते हैं? कितना इलेक्ट्रॉनिक बन सकता है मेरे पास? 200 और एलिमेंट बन सकता है, वाह बेटा वाह। आई थिंक अभी, अरे अभी अपन ने किसी को तो पहला तो सिलिका पल अपन को मिलता है ना इसको मिलने से। हाँ ये देखो भाई एक सिलिका पल बचा है, इसके अंदर सिलिका पल जो ना वो ऐड हो चुका था, अपन जब भी उसको मिलते ना उसका नाम क्या भूल लूँगा अपना, पहला जो छोटू मोटू सा वो जो चिटिन और केरेटिन देने वाला जो होता है ना छोटा सा डायनो, उसको पहनने के बाद अपन को काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है यार ये सिलिका पल और ब्लैक पल गाइज, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अंडे डाल देता हूँ अपने भैया, अंडे तो एक भाई सरदर्द है यार भाई यार, वो देखो भाई कितनी ज़्यादा मीटिंग करोगे भाई, भगवान से डरो भाई। ये तो कितना मीटिंग करने तुमको भाई, हेलो कितना मीटिंग करा, शर्म करो जरा, ए भगवान से डरो भाई, मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे, ऊपर से बारिश भी आ गई यार यहाँ पे, बारिश आने वाली है। वो देखो गाइज वो देख रहा हूँ वेदर भाई थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है और बारिश आने वाली है। और ये मेगलाडन देखो, ये जी तंगड़ी मेगलाडन, इधर आ मेगलाडन, रुक जा मेगलाडन को पप्पी जैसे पप्पी देके आता भाई, ठीक है। हेलो बेटा मेगलाडन बच्ची अपने सामने देखो क्या कर लेगी, है क्या कर लेगी बताओ, डर गई गाइज
डर गई मेघलाडन, बताओ बताओ तुम्हारे भाई की दहशत भाई, मेघलाडन डर गई भाई यहाँ पे। अभी मैं क्या करता बताया क्या गाइज, ओके ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेरे हिसाब से हो चुका होगा। सीमेंटिंग पेस्ट भी बेटा मेरे पास भर भर के है भाई, ठीक है। एंड और क्या चाहिए बताऊँ, 450 सीमेंटिंग पेस्ट बड़े आराम से बन चुका है यहाँ पे। केमिस्ट्री बेंच के अंदर जो ना ये सारा सामान डाल के जो ना गाइज अपन और भी ज़्यादा सीमेंटिंग पेस्ट बनाने का काम चालू कर देंगे भाई, ठीक है। जी बताइए अभी मेरे को और क्या चाहिए अपन को, बेंच बनाने के लिए अपन को और चाहिए होगा स्पार्क पाउडर। उस स्पार्क पाउडर भी इसके अंदर होगा ना, मैंने स्पार्क पाउडर भी बनाने के लिए डाला था वैसे एक्चुअली में 100, अरे 1000 स्पार्क पाउडर है भाई। ठीक है चलो बेंच बना, केमिस्ट्री बेंच होना का जो फटाक से सटाक से एसएस वाली बना लेते अपन। स्पार्क पाउडर 1000 है बेटा, 1000 है अपने पास स्पार्क पाउडर, ठीक है। केमिस्ट्री बेंच बन गई, लेकिन केमिस्ट्री बेंच को चलाने के लिए मेरे को जनरेटर भी बनाना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो। ये जो ना गाइस जेनी पे चलती है भाई, ठीक है। रुक जा मैं जनरेटर बनाता हूँ और आज अपन किसी ना किसी डायनो को टेम करेंगे। आज गाइस ग्राइंडिंग नहीं होने वाली खाली, तो आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। आज आपको टेमिंग भी देखने को मिलने वाली है। एंड इलेक्ट्रिक केबल, अरे यार इलेक्ट्रिक केबल, आउटलेट बिवेटलेट सारा का सारा अनलॉक करना है मेरे को। आउटलेट अनलॉक कर, एसएस वाला इलेक्ट्रिक केबल सारे अनलॉक कर, सारी की सारी इलेक्ट्रिक केबल अनलॉक करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। चलो डन डना डन डन हो गए भाई, हो गए। चलो अभी यहाँ पे एक जेनी जो ना गाइस नीचे साइड ही कहीं पे लगा डालता हमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाली रुक जाओ, एक ही केबल चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक कहाँ है ये वाली, अच्छा कौन सी वाली, एसएस वाली बना डाल। एंड आउटलेट कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक ये वाला, इलेक्ट्रिक वाला आउटलेट अनलॉक नहीं करा क्या मैंने, ये एसएस वाला तो कर दिया ना भाई, एसएस वाला बना डाल ना भाई इलेक्ट्रिक आउटलेट, इलेक्ट्रिक हाँ ये वाला, चलो लेट्स गो। और ये वाली केबल बना डाल, ये वाली केबल जो ना गाइस काफ़ी सही रहती है, बट मेरे हिसाब से सीधी वाली सही रहेगी, ठीक है। हेलो बेटा फाउंडेशन आगे कोई चेप के ना चला जाए इसके आग, ओके यहाँ पे जनरेटर लगा डालता, ठीक है। एंड इसके अंदर भाई वो वायर लगा दूंगा सीधी वाली, एंड उस पर आउटलेट लगा डालूंगा, और इसके ऊपर जो है ना गाइस वो लगा दूंगा गाइस, ठीक है अपना केमिस्ट्री बेंच भाई, ठीक है। हाँ यहाँ पे आउटलेट लगा, गैसोलीन चाहिए, गैसोलीन की ज़रूरत पड़ेगी यार अपन को। गैसोलीन कहाँ पे, फैबी के अंदर और आइटम कलेक्टर के अंदर, फैबी के अंदर से 50 खींच लेता हूँ। गैसोलीन जो ना गाइस वो बनाने के लिए डाल देता हूँ अभी मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको टर्न ऑन कर एंड डन डना डन डन, अरे यार गैसोलीन और ज़्यादा चाहिए होगा, ये गैसोलीन प्लस गाइस यहाँ पे इससे चलता है, क्या बोलते हैं, ये टर्न ऑन नहीं होगा, इसके लिए और गैसोलीन चाहिए होगा, गैसोलीन प्लस उससे चल जाता है भाई ये। क्या करें, कलेक्टर के अंदर 100 नहीं भाई, कलेक्टर तो काम आएगा। फैबी के अंदर से 50 खींच लेता हूँ भाई, ठीक है 50 और खींच लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ भाई, ठीक है। चलो डन डना डन डन। एंड अभी इसके अंदर अपन को फ्लिंट विंड फलाना डिलाना भाई, रुक जाओ पहले स्टोन ले, जितने भी स्टोन अपने भाई बेस पे सारे स्टोन इसके अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले फ्लिंट भाई, जितने भी फ्लिंट अपने पास है ना गाइज सारे फ्लिंट इसके अंदर भाई, ठीक है। और उसके बाद चिटिन और केरिटिन भाई, ठीक है। केरिटिन कितने अपने पास, केरिटिन कितने, 2 है भाई, ठीक है ठीक है। चिटिन कितने अपने पास, रुक जाओ सारे चिटिन विटिन हर एक चीज़ इसके अंदर डालनी है भाई। उसके बाद चारकोल कितना है, चारकोल भी चाहिए होगा ना अपन को गाइज, चारकोल कितना है, सारा का सारा ऑल चारकोल भाई मेरे इन्वेंटरी में भाई, ठीक है। चलो आ जाओ अब ये सारा सामान फालतू का जो है ना जिसके अंदर अपन को डाल देना है, और यहाँ पे अपन एकदम मस्त भी सारा जो है ना गाइज अपना सामान बनाने का काम करेंगे। रुको वेट अ मिनट, इसके अंदर का जो सामान है ना गाइज वो अभी तक अपन ने खींचा ही नहीं है भाई। हेलो बेटा खींच लें एक सीमेंटिंग पेस्ट, ओके एंड इसके अंदर का भी खींच लें, ठीक है। चलो गाइस डन डना डन डन, सारा सामान जो ना गाइस अपन ने खींच लिया, गन पाउडर बस अनलॉक करनी पड़ेगी, वो भी कर लेता अनलॉक। रुको ये डाल इसके अंदर बेटा, ये डाल इसके अंदर, ये इधर दे दे बेटा, हाँ सीमेंटिंग बेस रहने दे, और गन पाउडर अनलॉक करनी है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। गन पाउडर एरवी को डन डना डन डन गाइज, हो गया गाइज ग्राइंडिंग जो ना गाइस जितनी करनी थी अपन ने कर ली। अभी भाई सब कुछ बनाने के लिए डाल, 1000 बनाने के लिए डाल, कम क्या पड़ रहा है इसके लिए, स्पार्क पाउडर इसके लिए क्या कम पड़ रहा है, आई थिंक चीटिंग कम पड़ रहा होगा, वो अपन रस्ते में आते वक्त ले लेंगे। एक काम कर लेता, रुक जाओ गाइज ये लोग जो ना गाइज कुछ ज़्यादा है ना ब्रीडिंग कर रहे हैं, देख रहे हो अंडे कुछ ज़्यादा है गरम गरम वाले निकाल रहे हैं। ए भाई एक काम कर, वाह बच्चा भी निकाल लिया तुम लोग ने, अरे भाई भगवान से डरो शर्म करो। ए भाई डिसेबल मीटिंग, अब मीटिंग डिसेबल करो भाई, ये क्या बदतमीजी है भाई, बच्चे सच्चे भी निकाल दिए भाई लोग ने, ठीक है भाई रुक जाओ। ए भाई मेल तेरे को कुछ ज़्यादा ही चूल मची है भाई, बिहेवियर डिसेबल मीटिंग भाई, इसके अब एक साथ पांच को ले रहा है भाई, है क्या बताए इसको, रुक जाओ इसकी डिसेबल मीटिंग कर दी। अभी बच्चों को बढ़ा करके जो ना गाइस वो कर लेता हूँ मैं, ठीक है मेल से फीमेल बना देता हूँ,
और इनके अंडे जो ना कैसे वो मिल जाएंगे अपन को, कोई सीन नहीं है। रुक जाओ, इनके अंदर मेरे को एफएम के वाला पोशन डालने दो। अरे यार मेटल ही नहीं है मेरे पास, रुक जाओ। लेकिन अपने पास मेटल फोर्ज के अंदर तो भर भर के है, तो बना लेंगे अपन आराम से, ठीक है। एंड इनको जो ना जहाँ पे एकदम मस्त देखिए बड़ा कर देंगे, फीमेल वाली है तो इसका कोई सीन नहीं है गाइज, ठीक है। अरे यार बड़ी नहीं हुई क्या, वो जेंडर चेंजिंग पोशन खिला दिया हमने ग्रोप चेंज पोशन की जगह पे। ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत वाला पोशन खिला डाला गाइज मैंने इसको, ठीक है। इरवी गो 10 डन 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 डन। एंड ये ले बेटा ग्रोप पोशन, हो जा बड़ी, बड़ी हो जा भाई, ठीक है। ये फीमेल बड़ी हो चुकी है, अब इसको जो ना कहा जहाँ पे बाहर निकाल के रख देंगे। एंड इसको भी बड़े कर देते हैं, ये मेले का जिसको ग्रो पोशन के साथ साथ जेंडर चेंजिंग पोशन भी खिला डालेंगे भाई, ठीक है। चलो डन 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 डन, इसको भी यहाँ पे बाहर निकाल के रख देते हैं। अभी अंडे जो ना कहा इस बड़े आराम से देते हैं, कोई सीन नहीं है। और एक और रहेगा ना 6, हाँ ये वाला, इसको भी बाहर निकालो भाई, ठीक है। और इन सबका इनेबल मीटिंग, आप भी कैसा अंडा दे रहा है गाइस, इनेबल मीटिंग मेल का बस मीटिंग जो है वो बंद करके रख देते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई ज़ोंबी डोडो की आर्मी तुम्हारे भाई के पास आ चुके हैं, अभी अभी चलते और किसी ना किसी डायनो को टेम कर लेते हैं भाई। दाऊद किसी डायनो को टेम करके अपन नहीं जाने वाले, और मैं जो ना किसी खतरनाक ओपी से टॉक्सिक डायनो को यहाँ पे टेम करने वाला हूँ, टॉक्सिक या फिर अपना नॉक्सिस कोई डायनो भाई। अरे 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 अरे, हवा में चेप डाला यार बेचारे को। चलो आ जाओ, मेघला शेघला डाउन को टेम मार लूँ यार, टॉक्सिक वाली होगी तो अल्फा वाली मेघला डाउन यार, वैसे अल्फा वाला किबल अपन बढ़ा सकते, लेकिन अल्फा डायनो को मैं बाद में टेम। एल्डर है क्या, एल्डर डिफेंस यूनिट क्या बोलते हो, एल्डर डिफेंस यूनिट क्या बनता है, मारेगा डर नहीं लगता भाई, इसका हेल्थ कितना है भाई यार। डिफेंस यूनिट को चिप डाल, इलेक्ट्रॉनिक का जुगाड़ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एल्डर वाला डिफेंस यूनिट तो है भाई, बट मारेगा भी उतना ज़्यादा ही गंदा भाई, अपन को पता है आपको, इसको अगर टॉर्पोर चढ़ाने जाते तो, ठीक है। रुक जाओ कॉम्पिलोग, उंगली मत करो भेज के आप, अबे जाओ ना कॉम्पिलोग, काय उंगली कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। संभल के बेटा भाई, इसका डैमेज बहुत तगड़ा वाला पड़ता है गाइज, अभी भगेगा ये, अच्छी बात है। चलो कॉम्पिलोग भाई बीच बीच में आके उंगली कर देते हैं भाई, ठीक है। इनको मीट खिलाना पड़ेगा ना, अब मीट ने अंडे खाएगा क्या बेटा, अच्छा मीट तो है पिम के वाला वो पोशन। अरे यार इसके लिए वो मेटल नहीं है मेरे पास, रुक जाओ भाई। कॉम्पिलोग भाई करके आ जाते यार मारने के लिए, रुको रुक जाओ, थोड़ा सा मेटल जो ना कहा वो इकट्ठा कर लेते हैं। एंड इसको जो ना कहा अपन खिला देते हैं हंगर पोशन, ताकि मीट खा के तुरंत ही डेम हो जाए भाई। हीट भाई, हेलो हीट वेव आ गई क्या, यहाँ पे कब से हीट वेव आने लगी है गाइस, द आइलैंड पे हीट वेव आती है क्या, लग तो ऐसे रहा है मेरे को भाई। ये ले बेटा डन 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 डन, कौन सा डोडो आ गया, नहीं अरे भाई न्यूक डोडो था, चीबे। अरे यार पीयूबी कूलडाउन ऊपर से लगाए, काय का पीयूबी कूलडाउन यार, सर्वर पीयूबी कर रखा है मैंने भाई, ये देखो पीयूबी कूलडाउन लग गया मेरे को, वाह बेटे वाह, कल्लो बाद भाई, रुक जाओ रिस्पॉन हो जाता हूँ 40 सेकंड बाद भाई। खड़े खड़े चेप डाला तुम्हारे भाई को यार, मेरे को लगा नॉर्मल ढोड़ो या कॉम्पी की आवाज है, बट वो तो न्यूक ढोड़ो था यार, मुंह पे आप डायरेक्टली पड़ गया गाइज, क्या बताओ अभी आपको। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइज, अपने पास अपना पीटी जो है ना गाइज वो तो है, और मैंने जो ना गाइज यहाँ पे देखा कि वो अपना डिफेंस यूनिट था ना गाइज एल्डर वाला, वो भी मरा नहीं आई थिंक वहाँ पे शायद भाई, पता नहीं, देखते चलो जाके देख लेते कि अपना लोंडा अभी तक जिंदा है कि नहीं। और ऊपर से भाई हीट वेव आ चुकी है भाई थाईलैंड पे, वाह बेटे वाह, ये हीट वेव भी आती थी मेरे को पता नहीं था यार। जिंदा है क्या लोंडा टाइगर, ये टाइगर जिंदा है क्या, मर गया, और टाइगर भी जिंदा है और अपना बनी भी जिंदा है, बनी को ट्रैकर खिलाना भूल गया, ए भाई बनी बनी सॉरी रे सॉरी बेटा, बनी को पहले ट्रैकर खिला, बनी कैसा रे बाबा, हेल्थ में पॉइंट डाल, तेरे को कोई भी किसी ने भी मारना नहीं चाहिए बेटा, कोई भी नहीं मारेगा तेरे को, पहले बता देता, किसी ने भी तेरे को टच कराना उसको बाइट चेप डालेंगे अपन डायरेक्टली। रुक जाओ इसको पहले ट्रैकर खिला दो मेरे को, बनी मरना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाएगा इस, ठीक है। और अपना पीटी एक महीने इसको भी ट्रैकर खिला लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ डन 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 डन, एंड आ जाओ अभी एल्डर, अब भाई अपना जो डिफेंस यूनिट है उसको चेकआउट कर लेते हैं भाई। अच्छा हुआ इसकी ज़्यादा हेल्थ नहीं गई यार, थोड़ी सी हेल्थ गई भाई, अरे मिलियन में डायरेक्टली हेल्थ चली गई भाई इसके लौंडे की, वाह बेटे वाह गाइस, 2-3 मिलियन हेल्थ तुरंत ही चली गई। अभी भाई मजा आएगा ना बेड़ू, अभी अपन देखेंगे कि इसका डैमेज कितना जा रहा है, डैमेज भाई 1 मिलियन तो पक्का सोडक का जाएगा यार, पहले जो ना 1 मिलियन डैमेज गया ना तो वो लौंडा था ना गाइस, रुक जाओ कितना, अरे यार डैमेज कम है भाई, डैमेज कम है, हेलो यार ये तो मार रहे मेरे को भाई, डैमेज काफ़ी कम है। वैसे एल्डर्स का डैमेज भाई इतना ही जाता है भाई, ज़्यादा जाता ही नहीं है भाई। गन का डैमेज कितना जा रहा है, ओ 2 लाख का डैमेज जा रहा है गाइज, इसका स्पेशल अटैक है उसका 2 लाख का डैमेज जा रहा है गाइज। देखो ऐसे मतलब गोल गोल फिर के जाओ, उसके बाद ऐसे पट्ट से मारो भाई, ओ नहीं दो गोल गोल घूम के जाओ और पट्ट से, हाँ ये वाला अटैक जा रहा है।
मैं नहीं था भाई, मैं था ही नहीं। सॉरी सॉरी डिमोनिक बंदरवा, मैं जानता नहीं तेरे को बाबा। भाई क्या भाई, इसका डैमेज कितना बढ़ाऊँ मैं? इसका डैमेज जा ही नहीं रहा यार, तेरे को सर्वर की सेटिंग और बढ़ानी पड़ेगी भाई। 1 मिलियन बेटा। अरे यार 1 लाख ही जा रहा है डैमेज यार, मेरे पीटी का डैमेज तेरे से ज़्यादा जा रहा है। लेवल कितनी है? 200 लेवल है यार, तो जाना तो चाहिए यार 200 लेवल पर। टिक टाक डैमेज इसका, बट इसका डैमेज नहीं जा रहा। अपन और डैमेज बढ़ाएंगे भाई, इतना डैमेज बढ़ाएंगे छू के डायरेक्टली किसी भी डायनो को चेप डालेंगे अपन। छू के बस छू के चेप डालेंगे भाई, डरने का बिल्कुल नहीं भाई। मेरे को लग रहा है इसका डैमेज काफ़ी तगड़ा जा रहा है, पता है कैसे? रुक जाओ, अभी दिखाता आपको, अभी दिखाता है। देखो ये देखो, अगर अपन ऐसा जाते हैं अरे भाई क्या, तोड़ दे इसको। हाँ ऐसा जाके अगर मेरा स्पेशल अटैक देता ना तो ये देखना। अरे ओपड़ हो गया यार, मेरा स्पेशल अटैक लग ही नहीं रहा इसको। भाई ये क्या बदतमीजी है भाई, डोडो से मार खा लूंगा क्या भाई? 2 लाख का डैमेज आ रहा है, देख रहे हो गाइस, 2 लाख का डैमेज आ रहा है। और अगर अपन ऐसा गोल गोल घूम के गाइस अपना डैमेज देते ना, तो अपना डैमेज एक्चुअली में काफी ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। बट अभी जो है ना गाइस, अपना डैमेज उतना ज्यादा नहीं जा पा रहा है। कोई ना, मैं देखता हूँ कोई भाई अल्फा विल्फा डायनो टेम करके देखेंगे, अगर उनका डैमेज भी इतना ही जा रहा है ना तो हेलो का हमको मारोगे बेटवा? बेटवा हम वो राहुल नहीं है भाई। रुक जाओ, जिसको तुमने ऐसे भाई शरे आम खुले आम पिला था बेटा, ठीक है बेटा? कल आना कल ठीक है। आज मूड नहीं तुमसे मरने का भाई। एक एक को चिप डालूंगा भाई इसके, एक एक को ना चिप डाल तो नाम बदल देना भाई तुम्हारा खुद का, मेरा नहीं भाई। रुक जाओ, इधर वो तोता तोतेश्वर इधर आ भाई। इसके तोते तेरे लाड में आ रहा है भाई। और कौन मरने के लिए आ रहा है भाई? इसके किसको चूल मचे बताओ? आग लगा रहे भाई, काली काली आग लगा रहे मेरे को भाई इसके अकेले बेटा। और किसको मरना है भाई? इसके सबको चिप डाला भाई, सबको चिप डाला मैंने। कुछ ज़्यादा ही लाड़ में आ रहे थे गाइस, सबको चिप डाला। फेदर आ, यही तो जीता मेरे को, फेदर के लिए तो मारा मैंने। अभी इस फेदर से जो ना गाइस आगे जाके अपन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। वैसे गाइस अपना एल्डर डिफेंस यूनिट आपको कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना। और मैं इसको ज़्यादा जो है ना यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ भाई यहाँ पे वो फोन फ्यूरॉक्स है, एक तरफ वो डिमोनिक वाला भाई बंदर है भाई, ठीक है भाई। और मैं इसी वाले एरिया में बस इसको चला सकता हूँ, तो इसको जो ना गाइस अपन ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको हमारा भाई ये एल्डर वाला जो डिफेंस यूनिट है वो कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिल जाएगा सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्राइमल फियर 100X के। तब तक के लिए बाय एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। Remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.